सो हे गाइस, वेलकम बैक टू अनदर सोलो कॉन का रैंक पुश वीडियो। होप करता हूँ आप सभी लोग मस्त होंगे और आप सभी का रैंक पुश मस्त चल रहा होगा। तो गाइस, इस टाइम तो आई थिंक सभी का रैंक पुश मस्त चल रहा होगा, क्योंकि इस टाइम बैन पैन जो है एक्टिव हो रखा है और हैकर्स काफ़ी ज़्यादा बैन हो रहे हैं। और मतलब अब तो हैकर्स बिल्कुल ना के बराबर ही आ रहे हैं। बट गाइस, ये वाला जो आज का मैच होने वाला ना, मतलब इस वाले सीजन का सबसे हाईएस्ट किल, मतलब मेरे जितने ही मैच रहे हैं ना, सबसे हाईएस्ट किल वाला मैच रहने वाला है। और इस वाले मैच में जो प्लस है वो भी नेक्स्ट लेवल मिलती है। ऑलमोस्ट कॉन्करर रिस्क का ही गेम प्ले, मतलब ये वाले मैच के बाद इन रैंक हो जाता हूँ मैं, 500 के अंदर रैंक हो जाती है। और गाइस, ये वाला मैच अभी देखते रहो अपने को कितने किल्स होते हैं और कितनी प्लस मिलती है। तो यहाँ पर मैं व्हीकल लेता हूँ और ड्रॉप लोकेशन पे जा ही रहा होता हूँ लूटने के लिए। इतने मेरे को बैक साइड से एक बॉट का फायरिंग आता है, तो यहाँ पर मैं फिलहाल इस बॉट के ऊपर बग्गी चढ़ा देता हूँ और इससे एक गन ले लेता हूँ। और गाइस, अगर आप चैनल पर पहली बार आए तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब याद से कर लेना। और गाइस, बेल आइकन को भी याद से ऑल पर कर लेना, ताकि कौन करके गेम प्लेस आप बिल्कुल भी मिस ना कर पाओ। तो गाइस, यहाँ पर मैं ऑलमोस्ट अपने ड्रॉप लोकेशन पर पहुँच गया था। इतने यहाँ पर मुझसे पहले एक बंदा आ चुका था, बड़े बंदा भी घर में नहीं घुसा था, बट मेरे पे गन थी। तो यहाँ पर मैं थोड़ा सा रिस्क लेकर यहाँ पर रुक तो जाता हूँ, बट ये बंदा जो था छत पे चढ़ जाता है और इस बंदे को मिल चुकी है शॉटगन। तो यहाँ पर मेरे पास गन तो है बैरल प्लस M4, बट उस पर शॉटगन है, तो उस बंदे को सिर्फ एक बुलेट ही चिपकानी है, अपन किल हो जाएंगे। और उस बंदे को मैं काफी अच्छा खासा डैमेज कर चुका हूँ। तो गाइस देखो, अभी इस बंदे को कैसे किल करते हैं। तो गाइस, जितने मेरे को एक बॉट का साउंड आता है, तो पहले मैं इस बॉट को किल करने के लिए आ जाता हूँ। इसे किल करते हैं और इससे एमओ वगैरह ले लेता हूँ और वापस उसी बंदे पर चलते हैं। वो अपनी लोकेशन चेंज ना कर ले, मतलब इधर उधर कैंप ना कर ले, इस वजह से मैं साइड वाले घर पर आता हूँ। एक ग्रेनेड मिल जाए तो अपना काम हो जाएगा। और यहाँ पर मेरे को एक ग्रेनेड तो मिल जाता है। तो गाइस, अभी देखो इस बंदे के ऊपर मैं ये वाला ग्रेनेड ट्राई करता हूँ, बट इस वाले ग्रेनेड में ये बंदा नहीं फूटता। ये वाला बंदा यहाँ पर था ही नहीं, ये बंदा पीछे की साइड था। तो यहाँ पर मैं प्री फायर थोड़ा सा लेकर आता हूँ जस्ट ऊपर चढ़ते राइट पर, बट ये बंदा यहाँ पर वॉल के पीछे था। इस बंदे को जैसे तैसे किल कर देते हैं और अपने 3 किल्स तो स्टार्टिंग में ही हो चुके हैं। और गाइस देखो, अभी पूरा गेम कैसे ही निकालते हैं। यहाँ पर मैं अपनी लूट वगैरह कंप्लीट करके जोन के सेंटर में कंपाउंड पर आता हूँ, यहाँ पर ट्रिपल स्टोरी के साइड में आराम से बैठ जाता हूँ। और इतने यहाँ पर किल फीड में मेरे को दिखता है एक हैकर, जो कि जस्ट अभी अभी बैन हुआ है। और गाइस, ये हैकर अपने को ही मिलता है किल करने के लिए। और गाइस, कहाँ पर मिलता है वो भी अभी आप देखते जाओ। तो गाइस, वो जो जोन था वो थोड़ा हार्डशिप लेता है और जोन के सेंटर वाली जो पोजीशन रहती है वो चेंज हो जाती है। तो मैं फटाफट जोन के सेंटर में आता हूँ, बट यहाँ पर एक पहले से ही व्हीकल लग रखी है। मुझे नहीं पता ऊपर बंदा है या फिर नहीं है, मैं फिर भी ग्रेनेड का साउंड देता हूँ उस बंदे को, क्या पता वो बंदा फुट साउंड वगैरह देने लगे। लेकिन इतने यहाँ पर एक मैक्लेरन का पुश होता है, इसको तो अपन इजी किल कर देते हैं। और यहाँ पर मैं टीपी भी ले लेकर ऊपर आने का ट्राई करता हूँ, बंदे को भी स्पॉट करने का ट्राई करेंगे। और यहाँ पर मुझे दिखता है ये ऑफलाइन बंदा, इसका नाम वही है, एस से स्टार्ट हो रखा है और हैकर जो बैन हुआ था वो भी एस से ही था, तो मुझे लगा था ये हैकर वही है। बट जो भी था, अपने को ये हैकर का किल इजी फ्री का किल मिल जाता है। तो अपन इससे यहाँ पे लूट कंप्लीट कर लेते हैं, मतलब 6x वगैरह पड़ा है इसके पास, तो 6x ले लेते हैं। और गाइज, अभी ये वाला जो स्क्वाड हाउस है ना, इतना लकी स्क्वाड हाउस है, आपको क्या ही बताऊँ। आप मैच देखोगे ना, मतलब मज़ा से आएगा। अभी यहाँ पर मुझे एक बग्गी का साउंड आता है और मैं बालकनी में देखने के लिए आता हूँ, तो इस बंदे की बग्गी का टायर वगैरह फूटा होता है, इतनी स्लो चल रही थी इसे, तो इजी किल कर देते हैं। और यहाँ पर मेरे साइड में ना ड्रॉप भी पड़ा हुआ है, बट इसे लूट नहीं सकते क्योंकि थोड़ा सा ओपन में है। और यहाँ पर मैं इसको ओपन करके चेक करता हूँ कि ओपन में कोई बंदा लेटा वेटा होगा तो अपने को स्पॉट हो जाए, तो ईजी किल मिल सकता है। बट यहाँ पर मेरे को कोई भी बंदा स्पॉट नहीं होता फिलहाल तो।
तो गाइस यहाँ पर जोन श्रिंक हो रहा था, तो मैं अपने बैक साइड पे चेक कर रहा था कि बैक साइड से कोई बंदा तो नहीं आ रहा, और यहाँ पर मेरे राइट की साइड ग्रेनेड वगैरह भी हो रहे थे और बैक साइड मुझे एक बंदा स्पॉट होता है ऊपर में भाग भाग कर आ रहा था। तो इसको ये बंदा पहले से काफ़ी ज़्यादा डैमेज था, एक दो गोली मारते हैं और उसी में किल हो जाता है। इधर मेरे लेफ्ट की साइड फाइट वगैरह हो रही थी तो मैं इधर ही देख रहा था, इतनी यहाँ से एक बग्गी का रोटेशन निकलता है उसको मारने के चक्कर में यहाँ पर मेरे को ओपन में स्मोक दिखता है, तो मैं स्मोक में स्कोप इन करके बैठ जाता हूँ। मैं कहा जब स्मोक खत्म होगा तब अपने को इजी किल तो मिलना ही था, बट उससे पहले अपने को बंदा स्पॉट हो जाता है और उसे किल कर देता है। और यहाँ पर मैंने जो बंदा मारा था कूप वाला, उसे फिलहाल मेरे को यहाँ पर 5 KM चाहिए थी, तो उसकी पेटी लूट के यहाँ पर 5 KM तो मिल जाती है। और यहाँ पर मैं इस बंदे के ऊपर कार स्प्रे तो बहुत ही ज़्यादा तगड़ा चोक कर देता हूँ, बट इस बंदे को अच्छा खासा डैमेज चिपका दिया था और ये बंदा शील्ड का कवर बना लेता है। इस बंदे को मैं नीचे उतर के तो किल कर देता हूँ। इस बंदे के पास घर हो जाती बट मैं रिस्क नहीं लेता, मतलब इसकी इस बंदे की पेटी थोड़ी सी ओपन में, अगर मैं गरोजा लेने के लिए जाऊंगा तो थोड़ा बहुत सीन अपने साथ हो सकता है। इतने मुझे एक स्मोक दिखता है ओपन में लेफ्ट की साइड, और यहाँ पे ये जो बंदा है इसके अंदर ये छत पर से मुझे इजी स्पॉट हो सकता है जब इसका स्मोक खत्म होगा। तो यहाँ पर मैं छत पे आ जाता हूँ और बैक साइड पे एक शील्ड बना लेता हूँ, अगर बैक साइड पे कोई होगा तो वो अपने को ना किल कर पाए। और कहीं यहाँ पे 4 किल फीट बैक टू बैक सिर्फ मेरे नाम से ही आई है, और यहाँ पे सिर्फ अब जो तो लास्ट बंदे बचे हैं ना, इनके किल्स भी दोनों के मेरे को ही मिलेंगे, मतलब इन दोनों के किल्स मिला के अपने 15 किल्स पे चिकन डिनर होने वाला है। और गाइस देखो अभी इन दोनों बंदों को किल कैसे करते हैं। यहाँ पर सामने साइड वाला बंदा आ रहा होगा, इतने ये से ये राइट वाला बंदा मारने का ट्राई कर रहा था बट उसे मार नहीं पाता, अपनी लोकेशन रिवील कर देता है और ये बंदा जैसे ही जोन में आ रहा था इसे तो प्यारा सा किल कर देते हैं। अब यहाँ पे सिर्फ एक ही बंदा बचा है जो कि सामने की साइड है, और यहाँ पर जो जोन है ना वो अभी भी प्रॉपर मेरे ऊपर ही है, मतलब उस बंदे को जोन में आना है। और गाइस देखो अभी उस बंदे को कैसे किल करते हैं। यहाँ पर मैं इस बंदे के ऊपर ग्रेनेड डाल देता हूँ और ये बंदा ओपन में जैसे ही भागता है इसको इजी किल कर देता है, और इस वाले मैच में मेरे को 15 किल्स पे चिकन डिनर मिल चुका है। और अपने जो था मतलब जैसे ही ये मैच खत्म होता है इतने ही मुझे एक बंदे का जो था यूट्यूब से नोटिफिकेशन आता है, आप भी देख सकते हो स्क्रीन पर आ रहा होता है कि मैच खत्म होने के बाद अपनी रैंक भी दिखाया करो। तो इसी के साथ चलो अपनी रैंक भी मैं दिखा देता हूँ। और गाइस ये वाला गेम प्ले कैसा लगा, मतलब खतरनाक गेम प्ले था नहीं था, मतलब 15 किल्स इस वाली लॉबी में कर पाना बहुत ही ज़्यादा हार्ड है इस टाइम। तो अगर ये वाला गेम प्ले आप लोगों को पसंद आया तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। और गाइस मिलते हैं ऐसे ही नेक्स्ट वीडियो में, अभी के लिए बाय बाय।